नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम मेष राशि के 2023 के संपूर्ण वर्ष फल के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ करियर, शिक्षा, वित्त, परिवार, संतान, विवाह, व्यापार, संपत्ति और वाहन, धन और लाभ, स्वास्थ्य, भाग्यशाली अंक, ज्योतिष उपाय, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 2023 वार्षिक राशिफल के अनुसार 17 जनवरी को शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगी, जो कि आपके 11वें भाव की राशि है। इसके बाद 22 अप्रैल को बृहस्पति मेष राशि में आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे और वह आप पर उनकी युति राहु से होगी, जिसके कारण गुरु चांडाल दोष निर्मित होगा। राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में 30 अक्टूबर को गोचर करेगा। मेष राशि के जातक वर्ष 2023 के दौरान अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धियाँ हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि यह वर्ष आपके जीवन के लिए एक उत्तम वर्ष साबित होगा। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण सभी क्षेत्र में आपको सफलता और संभावनाएं प्राप्त होगी, जिनका हाथ थाम कर आप अपने जीवन में सफलता का स्वाद चख सकते हैं। मेष राशि फल 2023 के अनुसार साल की शुरुआत में मेष राशि के जातक कुछ असमंजस की स्थिति में रहेंगे और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना आपको आसान नहीं लगेगा। आपकी राशि में राहु की उपस्थिति आपको थोड़ा निरंकुश बनाती है। आप अपने आसपास की घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से आप अत्यधिक प्रतिक्रियाएं देंगे, जो आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिश्तों को बिगाड़ सकती है। वर्ष 2023 की दूसरी 6 माही आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगी। इस दौरान आपको अपने करियर, चाहे आप बिजनेस करते हो या नौकरी, दोनों ही क्षेत्रों में उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे। इस समय के दौरान आपको जो भी काम दिया जाएगा, आप उसे भलीभांति और तयशुद्धा वक्त पर करके दिखाएंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको उम्मीद भरी नज़रों से देखा जाएगा और आपके जूनियर भी आपकी बात का अनुसरण करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा, वह यह कि किसी भी तरह की जल्दबाजी या अधीरता का परिचय न दे, बल्कि समय लगने दे। जितना समय लगेगा उतना ही आपका काम बढ़िया होगा। वर्ष 2023 शिक्षा, करियर और व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छे परिणाम देने वाला साबित होगा। आपको वर्ष की शुरुआत में परिजनों से दूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि आप अपने काम में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे और व्यस्तता आपके परिवार के लोगों को परेशान करने लगेगी, क्योंकि आप इतने व्यस्त हो जाएंगे कि परिवार को बिल्कुल भी समय न दे पाएंगे। महत्वपूर्ण गतिविधियों में आपके परिवार वाले आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करेंगे। वे उम्मीद करेंगे कि आप उनकी भी बात सुने, क्योंकि उन्हें आपसे अपेक्षाएं होगी। यदि आप कुंवारे हैं तो इस साल आपकी शहनाई बजने वाली है, अर्थात शादी होने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस साल आप कोई बढ़िया या खूबसूरत गाड़ी भी खरीद सकते हैं। चल और अचल संपत्ति खरीदने के लिए यह साल अपने मध्य से लेकर अंतिम दिनों तक बहुत बढ़िया रहेगा और आपको अपने आप को एक अच्छे आर्थिक स्तर पर ले जाने का मौका प्रदान करेगा। आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल के बावजूद परिजनों का सहयोग आपको आनंदित करेगा। जीवन साथी का व्यवहार कई बार आपको करेगा, लेकिन इसके बाद भी आप अपने परिवार को पूरा जिम्मेदार तरीके से सहारा देंगे। इस वर्ष की शुरुआत में नवम भाव में सूर्य और दशम भाव में शनि की उपस्थिति होने के कारण आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको भरपूर मान सम्मान मिलेगा और लोग के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। यह समय आपको लोकप्रियता प्रदान करेगा और यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको जनता का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा और शासकीय लोगों से भी आपको सहयोग मिलने के प्रबल योग बनते हैं।
फरवरी के महीने में शुक्र के एकादश भाव में जाने से आपके दोस्तों का संग साथ मिलेगा, खूब पार्टी एंजॉय करेंगे और आपके प्रेम जीवन में भी प्रेम के अंकुर फूटने लगेंगे। आप किसी के प्यार में गिरफ्तार हो सकते हैं। यह समय आपके प्रेम जीवन को खूब पुष्पित और पुलवित करेगा। मार्च के महीने में राशि स्वामी के तीसरे भाव में आने से साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन उन्हें कोई शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है। इस दौरान छोटी दूरी की यात्राएं होगी जो आपके व्यापार के लिए लाभदायक होगी और आपका आत्मविश्वास चरण पे होगा। अप्रैल के महीने में देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। यह सभी प्रकार से उत्तम समय की शुरुआत का समय होगा। बृहस्पति कृपा से संतान संबंधित सुखद समाचार के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही समस्याओं में भी कमी आएगी। व्यापार में वृद्धि होगी और भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आपके हर काम बनने लगेगी और अटके हुए काम में भी तेजी आएगी। मई और जून के बीच में आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस समय पारिवारिक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद संभव है। यह समय आपकी माता जी के स्वास्थ्य में गिरावट लेकर आ सकता है, इसलिए इस दौरान उनकी सेहत का ध्यान रखें। करियर में ज़्यादा गुस्से रवैया ना अपनाएं, नहीं तो परेशानी हो सकती है। जुलाई से अगस्त के बीच आप अपने विरोधियों पर हावी दिखाई देंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आपके विदेश जाने के योग इस दौरान बन सकते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार नए क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा और आपको स्वयं को साबित करने का पूरा मौका मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग प्रबल होंगे। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में व्यापार में तो अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के स्वभाव और उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपके बीच लड़ाई झगड़े की नौबत आ सकती है। आपका व्यवहार भी थोड़ा बहुत बदलेगा। नवंबर और दिसंबर के महीनों में खर्चों में बहुत तेजी आएगी। राहु के द्वादश भाव में जाने से अवांछित यात्राएं होगी, जिन पर आपको खर्च भी करना पड़ेगा। कुछ ऐसा खर्च आपके सामने आएगा जो बेवजह के होंगे, लेकिन आप अपनी निजी जिंदगी में खुशी नजर आएगी। प्रेम जीवन में अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। मेष राशि फल 2023 के अनुसार वर्ष के अंत तक आप अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर चुके होंगे और कुछ नए लोगों से मुलाकात करके व्यापार में आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। यह वर्ष आपको आपसे बहुत कुछ मिल जाएगा, बस आपको अपनी अधीरता से बचना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। जीवन साथी का सहयोग इस वर्ष आपको और भी आगे लेकर जाएगा। मेष राशि फल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में मेष राशि के लोग अपने प्रेम जीवन में बहुत ही मजबूत नजर आएंगे। आप अपने रिश्ते में ईमानदार रहेंगे और अपने प्रियगत के साथ अपना जीवन बिताने के लिए तत्पर नजर आएंगे। उनको शादी के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं और बहुत हद तक संभावना है कि वर्ष 2023 के अंत तक आपका अपने प्रियगत से भी विवाह भी हो जाए। यदि आप कुंवारे हैं तो इस वर्ष अप्रैल से अगस्त के बीच में आपको किसी खास व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है, जो आपके जीवन में बहुत ही खास बन जाएगा और आपके दिल का हाल जानने लगेगा। दाम्पत्य जीवन में समस्याएं रहेगी, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाएगा, लेकिन अप्रैल के बाद से बृहस्पति महाराज की कृपा से स्थितियों में सुधार होगी और अक्टूबर के बाद जब राहु राशि परिवर्तन कर लेगा उसके बाद से वर्ष 2023 के अंत 3 महीने बहुत ही खूबसूरत रहेगी और आप आपके जीवन साथी के बीच प्रेम बढ़ाएगी और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना का विकास होगा।
जिससे रिश्ता परिपक्व होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थल और खूबसूरत जगह पर घूमने भी जाएंगे और अपने दाम्पत्य जीवन में आई नीरसता को दूर करें। मेष करियर राशिफल 2023। वैदिक ज्योतिष पर आधारित मेष करियर राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष मेष राशि के जातकों को करियर के मामले में बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। इस वर्ष शुरुआत से ही आपकी गाड़ी पटरी पर सरपट दौड़ने लगेगी और अपने जो जो उम्मीदें वर्ष 2022 में रखी थी वो सब उम्मीदें वर्ष 2023 की पहली तिमाही में पूरी होने लगेगी। आपकी नौकरी में जो परेशानियां चली आ रही थी वो दूर होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा और आपके साथ कर्मचारियों का सहयोग भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। आप अपनी नौकरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और आपकी पदोन्नति के योग भी मार्च से अगस्त के बीच बनेंगे। एक अच्छे पद के साथ आपको अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी और अपने करियर में उन्नति और गर्व महसूस करेंगे। व्यापारिक संबंधों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके अपने व्यावसायिक साझेदार से संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है, उनका साथ दे और उनके साथ बने रहे, हालांकि उनकी गतिविधियों पर नजर भी रखें। ऐसा करने से संभव है कि आपका व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अप्रैल के बाद से व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी और वर्ष के अंतिम तिमाही में आपका व्यापार बहुत उन्नति प्राप्त कर लेगा। मेष शिक्षा राशिफल 2023। मेष राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष मेष राशि के छात्रों को अपने शैक्षणिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आप अपनी पढ़ाई के प्रति संकल्पित होकर लगे रहेंगे और संभव है कि अपनी एकाग्रता को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करें, जिसमें आप काफ़ी हद तक सफल भी रहेंगे। अप्रैल से अक्टूबर के बीच का समय शिक्षा में परिणाम प्रदान करेगा और आप शिक्षा की ओर खुद ही उन्मुख हो जाएंगे। मेष राशिफल 2023 के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर के बीच विदेश जाकर पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है और विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। मेष वित्त राशिफल 2023। मेष राशिफल 2023 के अनुसार इस पूरे वर्ष मेष राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे और वित्तीय रूप से स्थिरता की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि खर्चे भी लगातार बने रहने वाले हैं। एकादश भाव में शनि महाराज की उपस्थिति आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाएगी और आपकी आमदनी में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी, लेकिन द्वादश भाव में बृहस्पति अप्रैल तक लगातार धार्मिक और अन्य गतिविधियों में खर्च करवाते रहेंगे। आप काफ़ी दान पुण्य करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच जब राहु द्वादश भाव में जाएगा तो फिजूल खर्च का समय शुरू हो जाएगा। मेष राशि पर 2023 के अनुसार इस दौरान आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि अनावश्यक खर्चों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव आ सकता है। मेष पारिवारिक राशि पर 2023। मेष राशिफल 2023 के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत उतार चढ़ाव के बीच गुजरेगी। आप अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे और परिवार को कम समय दे पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि काम के सिलसिले पर आपको कुछ समय के लिए परिवार से दूर जाना पड़े। यही स्थिति आपको और आपके परिवार के लोगों को थोड़ी कष्टपूर्ण होगी, लेकिन वर्ष के मध्य में आपका ध्यान परिवार की ओर ज़्यादा रहेगा। घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम आयोजित हो गए और शनिदेव के एकादश भाव में तथा देव बृहस्पति के प्रथम भाव में आने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति और संपन्नता बढ़ेगी और धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का माहौल तैयार होगा और घर में सभी सदस्य हंसी और खुशी के साथ अपना जीवन व्यापित करेंगे। मेष संतान राशिफल 2023। आपके बच्चों के लिए वर्ष की शुरुआत में मेष राशि फल 2023 के अनुसार उत्तम रहेगी। यदि आपकी संतान परिपक्की है तो शिक्षा के उद्देश्य से उन्हें के विदेश जाने का योग वर्ष के शुरुआती तिमाही में बनने वाला है।
जो शादीशुदा नवविवाहित युगल दंपति है उनको अप्रैल के बाद पारिवारिक जीवन में किसी नन्हे मेहमान के आने का संकेत मिल सकता है, जिससे पूरे घर में संतान को लेकर खुशी और उल्लास का माहौल रहेगा। इस वर्ष परिवार के किसी सदस्य का विवाह भी वर्ष के अंतिम समय के दौरान हो सकता है। मई से लेकर अगस्त के दौरान संतान के लिए थोड़ा कष्टपूर्ण समय हो सकता है। इस वर्ष के दौरान अपनी संतान की सेहत का ध्यान रखें और उनकी संगति पर भी नज़र बनाए रखें। जिन दाम्पत्य के संतान नहीं हो रही है उनके लिए इस वर्ष 22 अप्रैल के बाद से आपके राशि में होने वाले बृहस्पति का गोचर बहुत अनुकूल रहेगा और संतान प्राप्ति को लेकर आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच संतान को कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती है, लेकिन यही उनके करियर के लिए तरक्की का समय रहेगा। मेष विवाह राशिफल 2023। मेष राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में वैवाहिक जीवन के लिए मेष राशि के जातकों के लिए यह एक बहुत अच्छा वर्ष है। इस वर्ष की शुरुआत थोड़ी कठिन होगी और आपके जीवन साथी के मध्य कुछ बातों को लेकर तनातनी बढ़ सकती है। ऐसा वर्ष के शुरुआती तिमाही में हो सकती है। उनके बाद जब अत्यंत शुभ ग्रह बृहस्पति आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे और वहां से आकर पंचम सप्तम और नवम भाव को देखेंगे तथा शनि महाराज का गोचर आपके एकादश भाव में होगा तो वह समय आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम रस घोलने वाला होगा। आपके और आपके जीवन साथी के मध्य एक अच्छे सामंजस्य देखने को मिलेगा जो पारिवारिक जीवन को बहुत अच्छा बनाएगा और आप अपनी संतान को लेकर भी काफ़ी संजीदा रहेंगे। अविवाहित लोगों के लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मई के महीने से आपकी शादी की बातें चलना शुरू हो जाएगी और वर्ष के अंतिम महीने में अर्थात नवंबर या दिसंबर के बीच आपका पानी ग्रहण संसार हो सकता है, अर्थात आपका विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। वर्ष के अंतिम महीने में आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाएंगे और एक दूसरे को पर्याप्त समय देंगे। मेष राशि फल 2023 के अनुसार प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले जातकों को जुलाई और अगस्त के महीने में सफलता मिल सकती है और आप प्रेम बंधन में बन सकते हैं। मेष व्यापार राशि फल 2023। मेष व्यापार राशिफल 2023 के अनुसार व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा साबित हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में दूसरे भाव में मंगल वक्री अवस्था में और सप्तम भाव में केतु उपस्थित रहेगा, जिसके वजह से व्यापार में परेशानियां आ सकती है और आपका उग्र व्यवहार तथा आपका अपने व्यावसायिक साझेदार से सामंजस्य न भेट पाना व्यवहार के लिए कमजोरी बन सकती है। हालांकि स्टार्टअप वाले उद्योगी के लिए वर्ष के मध्य से अर्थात जून से लेकर नवंबर तक का समय बहुत बढ़िया रहेगा और आपका स्टार्टअप उन्नति करेगा। मार्च से लेकर मई के बीच मंगल का तीसरे भाव में होना और के व्यापार में उन्नति का कारण बनेगा। इस दौरान आप किसी भी तरह का जोखिम लेने से नहीं डरेंगे और व्यापार को लेकर नए नए जोखिम उठाकर कुछ नया प्रयास करेंगे जो आपके व्यापार की उन्नति के कारगर साबित होंगे। आपका ज़्यादा ध्यान आपकी मार्केटिंग सेल्स और कम्युनिकेशन पर रहेगा, जिसकी वजह से व्यापार में वृद्धि के स्पष्ट संकेत परिलक्षित होंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच कोर्ट कचहरी और व्यापार से जुड़े कानूनी मामलों में आपको विजय मिलेगी। आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे और मार्केट में आपके काम की धूम मचेगी। यह समय आपको अपने विरोधियों से दो कदम आगे रखेगा। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग विदेशी व्यापार करते हैं उन्हें उत्तम फल मिलने का योग बनेगा और यदि आप किसी सामान्य व्यापार में है तो आप अपने व्यापार को विस्तार दे सकते हैं। इसके लिए कुछ नए राज्यों और नए देशों में यात्रा भी कर सकते हैं जो व्यापार की वृद्धि के लिए कारगर साबित होंगे। वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान आपको कुछ नई कंपनियों से जुड़ने का मौका मिलेगा जो आपके व्यापार को नए मुनाफे के सौदे उपलब्ध कराएगी।
मेष संपत्ति और वाहन राशिफल 2023। मेष संपत्ति और वाहन राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में जनवरी के महीने में 17 तारीख को अपने गोचर के दौरान शनि महाराज आपके एकादश भाव में प्रस्थान करेंगे और 22 अप्रैल को बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह समय अच्छा रहेगा क्योंकि इस दौरान आपको कोई अचल संपत्ति खरीदने का मौका मिल सकता है। मई के महीने में शुक्र महाराज की कृपा आप पर बरसेगी क्योंकि वह वाहन के कारक ग्रह भी है और उनकी कृपा दृष्टि और अन्य ग्रहों के शुभ प्रभाव के चलते आप मई के महीने में कोई खूबसूरत गाड़ी खरीद सकते हैं। मेष राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष घर और संपत्ति का कारक बृहस्पति 12वें भाव में होंगे, इसलिए इस वर्ष आपके पास मेष संपत्ति राशिफल 2023 भविष्यवाणी अनुसार भूमि संपत्ति खरीदने का एक अच्छा मौका होगा, लेकिन यह मौका आपके वर्तमान निवास स्थान से दूर हो सकता है। मई से लेकर अक्टूबर के बीच आपको अच्छी संपत्ति खरीदने का मौका मिल सकता है। यह संपत्ति आपके लिए नया मकान भी हो सकता है क्योंकि इसमें आप रहने भी जा सकते हैं। संपत्ति से संबंधित विवादों में विजयी मिलेगी। मेष धन और लाभ राशिफल 2023। मेष राशि वालों के लिए यह साल मिश्रित परिणाम लेकर आया है। मेष धन और लाभ राशिफल 2023 के अनुसार बृहस्पति का वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में होना धार्मिक कार्यकलापों पर खर्च की ओर स्पष्ट संकेत करता है। केवल इतना ही नहीं, आपकी राशि में राहु की उपस्थिति आपको फिजूल खर्च करवाएगी और आप बिना वजह के खर्च के चक्कर में अपनी आर्थिक स्थिति को खराब करेंगे। लेकिन 17 जनवरी से जब शनि आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, आपकी स्थिर आमदनी के योग प्रबल हो जाएंगे और आपको अच्छे धन की प्राप्ति शुभ होने लगेगी। उसके बाद 22 अप्रैल को जब गुरु बृहस्पति महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे तो वह समय आर्थिक उन्नति का समय होगा। तब से लेकर वर्ष के अंत तक आपके पास किसी न किसी रूप धन की आवाजाही लगी रहेगी और आप आर्थिक तौर पर उन्नत होने लगेंगे। 30 अक्टूबर को जब राहु का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा तो यह समय फिर से चुनौतियों लेकर आएगा और वर्ष के अंत तक आप अपने खर्चों से जूझते हुए नजर आएंगे, जिनसे बाहर निकलने में आपको बहुत समय लगेगा और इससे आपकी आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर हो सकती है। मेष राशि फल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 की पहली तिमाही आपके लिए उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। इस दौरान किसी भी तरह का बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए और खर्च पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा और तीसरा तिमाही अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और इस समय के दौरान आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होगी जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगी। इसके बाद अंतिम छमाही में भी कुछ आर्थिक दबाव बढ़ सकता है और आपको समस्या हो सकती है। मेष स्वास्थ्य राशिफल 2023। मेष स्वास्थ्य राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। आपकी राशि में राहु, सप्तम भाव में केतु, दूसरे भाव में वक्री मंगल, दशम भाव में शनि और शुक्र की युति तथा द्वादश भाव में बृहस्पति का होने सेहत के लिए ज़्यादा अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जनवरी से लेकर अगस्त तक अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी। मेष राशि पर 2023 के अनुसार विशेष रूप से मई और जुलाई के बीच का समय आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इस दौरान बुखार, टाइफाइड या फिर विषाणुजनित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। अगस्त के बाद से आपकी सेहत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। स्वयं के ऊपर मानसिक तनाव को बिल्कुल भी हावी न होने दे और प्रतिदिन सुबह की सैर पर जाने की आदत डाल ले। यदि आप थोड़ा परिश्रम करेंगे तो अपने स्वास्थ्य को उत्तम बना पाएंगे और ज़्यादा लंबी जीवन आराम से और शांतिपूर्वक ढंग से व्यापित कर पाएंगे। 2023 में मेष राशि के लिए भाग्यशाली अंक। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और मेष राशि के जातक का भाग्यशाली अंक 6 और 9 माना गया है। ज्योतिष के अनुसार मेष राशि फल 2023 के अनुसार बताता है कि
यह साल मेष राशि के लोगों के लिए बेहद फलदायमंद रहने वाला है और आप इस साल अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्ध होंगे। वर्ष 2023 के दौरान मेष राशि के जातकों को शनि और बृहस्पति के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, जिसके वजह से आपका जीवन बहुत अच्छा स्थिर में आ जाएगा और करियर में उन्नति मिलेगी। वर्ष 2023 में आपके लिए भाग्यशाली अंक 1, 6 और 7 रहने वाला है। यह वर्ष थोड़े संघर्ष के बाद उत्तम सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मेष राशि फल 2023 ज्योतिषी उपाय। मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का पाठ करना ना भूले। आपको बुधवार की शाम के समय के काले तिलों का दान किसी धार्मिक स्थान पर करना चाहिए। महामृत्युंजय यंत्र को अपने घर में स्थापित करें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें। पीले चावल बनाकर देव गुरु बृहस्पति और माता सरस्वती की पूजा करें और उनसे अपनी मनचाही मुराद मांगे। यदि संभव हो तो गुरुवार का व्रत रखें और प्रतिदिन स्नान के पश्चात अपने मस्तक पर हल्दी तथा केसर का तिलक लगाएं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला, मेष राशि वालों को 2023 में क्या होगा। मेष राशि वालों के लिए साल 2023 करियर, वित्त और शिक्षा की लहर से अच्छा रहेगा, लेकिन पारिवारिक और प्रेम जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दूसरा, मेष राशि का भाग्योदय कब होगा। मेष राशि के लिए इस साल दूसरी 6 मई में भाग्योदय होने के योग बनेंगे। तीसरा, मेष राशि वालों के भाग्य में क्या लिखा है। साल 2023 में मेष राशि के जातकों के लिए करियर और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना होगी। चौथा, मेष राशि का जीवन साथी कौन है। मेष राशि के लिए मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशि के लोग अच्छे जीवन साथी माने जाते हैं। मेष राशि से कौन सी राशि प्यार करती है। प्रेम के लिहाज से मेष राशि के संबंध सिंह, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे रहते हैं। छठा, मेष राशि वालों के दुश्मन कौन है। मेष राशि वालों के लिए कर्क और वृश्चिक राशि के लोग सबसे खतरनाक दुश्मन साबित हो सकते हैं।